भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गांधी स्मृति कमल पद यात्रा दाऊदपुर वार्ड से निकाली गई, जिसका नेतृत्व भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से जनसंपर्क कर केंद्र और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनता को सरकार की उपलब्धियों का पत्रक भी दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष गीता, लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राम जियावन और महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा फैल जाएंगे। हम सब नहीं उठाना है, मोदी जी को लाना है। हम सब नहीं उठाना है, मोदी जी को लाना है। योगी आदित्यनाथ हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके तरफ देखिए, इनके जन जन में उठाना है। और 70 वर्षों में जन जन अपनी है, जो जनता के लिए और गरीबों की सरकार, गरीबों के लिए सर्वाधिक काम किया है। आग्रह करने आए तो अपने सपना मोदी जी को मजबूत करिए और राष्ट्र को सबके साथ जिंदाबाद। डॉक्टर वीना कुमारी, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एंड गोरखपुर महानगर की प्रभारी। इंडिया का जो प्रोग्राम था वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी उनके प्रोग्राम्स थे, जो ये पब्लिक के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, जो योजनाएं बनाई, वो पहले पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता था, किसी भी सरकार में नहीं। लेकिन अब मोदी जी की जो सरकार है उसमें हमारे सभी पब्लिक तक एक एक चीज उनके पहुंच पाते हैं जो उन्होंने योजनाओं में दिया है, या वो पुरुष हो या नारी हो। क्योंकि जो भी उनको योजनाओं का लाभ मिलना है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता था, लेकिन ये पहले नहीं था। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और इस वजह से, डिजिटल इंडिया की वजह से, मोदी जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे भारत में सरकार बनाने का। इसलिए बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी और हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी लोकसभा की तो तैयारी बिल्कुल अब की बार जय जय है। अब आपको बता दूं, हम 73 नहीं अब की बार 77 जीतेंगे। ये कितना भी लोग गठबंधन कर लें, आम जनता के ऊपर किसी का कोई असर नहीं है। सब पर नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी महाराज, ये दोनों लोग मिल करके इस देश को, इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा लांछन हमारे पार्टी के सरकार के ऊपर नहीं अब तक लगा पाया, जिससे कि जो पिछले 10 वर्षों से हम लोग झेलते आ रहे थे, कितनी पाक साफ सुथरी और पारदर्शी सरकार चलाने का काम जो मोदी जी ने और योगी जी ने किया है, एक बार आम जनता के मन में ये बात बैठी हुई है। ये विपक्ष जितना भी हो हल्ला कर रहा है, सब नगर है, उसका कोई माने नहीं है। दिन पूरे प्रदेश में आप रेडियो पर देखिए, टीवी पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, सब जगह केवल भाजपा छाई हुई है। इसलिए यात्रा सफल होगी और हम फिर 2019 में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे चल के मोहल्लों कस्बों में जा कर के और जनता से सीधे वार्ता कर रहे हैं। और उनसे, यद्यपि केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, यदि पत्रक के माध्यम से नहीं, वो पूरी किताब एक कम पड़ जाएगी, लेकिन कुछ प्रमुख जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और उनसे जिस प्रकार का हमें जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, निश्चित तौर पे हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि 2019 में पुनः देश में कोई और विकल्प नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। और हम लोग इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने महानगर में, जो हमारे 70 वार्ड हैं, ये 70 वार्ड में हम लोग योजनाबद्ध तरीके से और सुबह शाम संपर्क करने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। उसी कार्यक्रम के निमित्त हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय रामजीवन मौर्या जी, हमारे युवा मोर्चा के सभी साथी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दीनदयाल नगर मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी और महिला मोर्चा की हमारी सभी बहनें, ये चल करके अभी इस दाऊदपुर वार्ड में जनसंपर्क करने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। पदयात्रा के माध्यम से हम लोग जनता से सीधी वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनने का काम करेंगे।